यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। आई नो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है भाई, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ तो मैं वो सॉल्व कर रहा था, तो वीडियो इसलिए लेट होगी भाई। मैं कोशिश करूँगा वैसे जल्दी डालने की भाई, शॉर्ट्स भी काफ़ी टाइम से नहीं आया तो वो भी डालने की कोशिश करेंगे। बट भाई आज की वीडियो डालना एक भाई अलग टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो पुराना ही है, बट ये हमने अपने पुराने वर्ल्ड मतलब जो हमारा डिलीट हो गया वर्ल्ड उसमें नहीं बनाया। तो आज भाई हम बनाने वाले एक फूड फार्म। अब आप कहोगे भाई तेरे पास तो पहले से 2-3 फूड फार्म है तो और क्या चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास पहले वाले फूड फार्म में जैसे ये है और एक उधर पोटैटो फार्म है, वो सारे भाई मैनुअल है और उसमें भाई कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। तो आज हम जो फूड फार्म बनाने वाले भाई वो एकदम फुली ऑटोमेटिक होगा, उसमें भाई मुझे छूने तक की ज़रूरत नहीं होगी। तो भाई हम बनाने वाले क्योंकि भाई वो सीधा उसमें सब क्रॉप उगेगी भाई, वो सीधा चेस्ट में आएगी और चेस्ट से जाके हमें ले लेनी, बस इतना ही करना है भाई हमें, ना उसमें सीड्स लगाने ना उससे कुछ और करना है। तो वही फार्म हम जहाँ बनाने वाले हैं, तो देखते हैं आज हम उससे कहाँ पर बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उससे पहले मैं अपना गेम मोड शिफ्ट कर लेता हूँ और फिर भाई हम जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पर उस फार्म को हमें बनाना है, क्योंकि भाई मैंने अभी तक कोई जगह नहीं देखी है। तो मैं सोचा उसको ना जहाँ पे हमारे इंडस्ट्री साइड है लाइक जहाँ पे हमारे फार्म्स वगैरह हैं तो वहीं पर बनाना है। और लास्ट टाइम आपको बताओ कि भाई हमने ये एक विलेजर ब्रीडर बनाया था, क्योंकि बहुत से काम करा। आप देख सकते हो मैंने एक गड्ढा करके यहाँ से रेल बाहर लिया है, मैं आपको नीचे का उसमें दिखा देता हूँ एक बार जाके। दो विलेजर एक तो बड़ा हो गया, एक ऑटोमेटिक फार्म में भाई विलेजर्स की जरूरत है, तो वही देखने वाली चीज़ है। इकट्ठा करना था भाई, मैंने ऑफ कैमरा ही कर लिया था भाई। पहले मैं होता था कैमरा मतलब वीडियो में रिकॉर्ड करता था मतलब सामान इकट्ठा करता था, भाई अब ऑफ कैमरा ही कर लेता हूँ ताकि भाई टाइम ज़्यादा हमारा वेस्ट ना हो उसमें। तो फ्री टाइम में उसको कंप्लीट कर दिया मैं दिखाता हूँ भाई। मैं ये सारा सामान उसमें चाहिए था भाई, ज़्यादा सामान नहीं है, काफ़ी जल्दी हो गया। मेन भाई ग्लोस्टोन लाने में हो गया, ग्लोस्टोन भाई बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे थे जगह पर थे। सबसे पहले तो भाई हम ग्लास ले लेते हैं, इनका ही काम है। और फिर भाई हमें जाना है एक जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं उस फार्म को बनाए। मैं सोचो या तो उसको इस साइड बना दें, ये भी अपना काफ़ी खाली हो गया, बट फिर वो विलेजर उसको मूव कराने में दिक्कत होगी, तो इस साइड ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ये काफ़ी ज़्यादा खाली एरिया इधर बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा, मतलब छोटा सा होगा बट काम बहुत तगड़ा करेगा भाई, क्योंकि ये जगह काफ़ी सही लग रही है। तो इसको मैं फटाफट से ना क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी अभी उबड़ खाबड़ है। यहाँ से इसको बनाएंगे, इसको यहाँ कर लेते हैं भाई। आप देख सकते हो इसमें अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग और एफिशिएंसी 5 है, तो ये भाई काफ़ी सही हो गया। नीचे कैसे आ गया भाई एक्स में भाई, सिर्फ एक स्माइट फाइव बैटरी डालनी थी तो भाई मैं अगर मेरे को मिल गई लगा से इसमें डाल दूंगा फटाफट से। बट सबसे पहले तो हमें ये एरिया पूरा क्लियर करना है, क्योंकि इधर ही हम बनाने वाले अपना फार्म। लैपटॉप पे साइड में खोल लेते हैं वीडियो कैसे बनानी है, तो भाई मैं एकदम एक्यूरेट बनाना चाहता हूँ। क्लियर तो हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पर डालो। और मुझे अब भाई 9x8 का कुछ एरिया बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ से मुझे 1, 2, 3 ग्रास रखने हैं, और फिर यहाँ से ये एक हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, फिर यहाँ पे 1, 2 करके, और फिर यहाँ से 2, 3,
ऐसा से पहले तो डर्ट लगा लेते हैं, आगे खींचेगा ये भी नहीं पता भाई। ये हो गए मैंने काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो उधर से भी मैं 9 काउंट कर ले, 3 लग गए तो 4 5 6 7 8 और ये 9 और दूसरा और देन यहाँ पे कट देन ग्रास, तो इधर को भी अब हमें 9 8 और करने, तो 1 हो गया 2 3 4 5 6 और वो हो गया तो 2 3 4 5 6 7 कितने लगे मैंने तो भाई भूल गया मैं, नहीं मेरा 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 लगे ना, 2 और लगाने 8 और ये 9 फिर यहाँ पे 2 1 वाला 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गया हमारा, इसको अब हमें 2 हाइट का करना है भाई, ये एक एक और उठाना पड़ेगा ताकि यहाँ से भाई जो भी हम इसके अंदर विलेजर रखेंगे बेसिकली विलेजर इसके ऊपर मतलब वही बनाएंगे उसको, मतलब क्रॉप वगैरह को अंदर है भाई। ज़ॉम्बी की आवाज़ कहाँ से आ रही है मेरे को, अच्छा वो नीचे भाई, ओके तगड़ा हमारा ज़ॉम्बी तो कुछ नहीं कर सकते हमारा, तो भाई इसको फटाफट से कर देते हैं तो फिर भाई इसका आगे का मैकेनिज्म कैसे बनाना है वो देखने वाली बात है। मेरे पास ग्लास बहुत कम है भाई, 32 ग्लासेस है, इसको यहाँ पे लगा के वेस्ट हो रहा है ग्लास बहुत ज़्यादा मेरे को, तो और बनाएगा 2 वेस्ट हो चुका है, हमने कर दिया तो ये हमारा कुछ एरिया बनेगा जिसके अंदर भाई हमारे विलेजर्स रहेंगे और क्रॉप वगैरह लगाएंगे, तो भाई इसकी डर्ट में बराबर कर देता हूँ, तो सबसे पहले हम पे डर्ट देनी भाई, मेरे पास डर्ट भी कम है अपने चैनल वगैरह पे देंगे, इधर भी इधर भाई अभी तो बहुत डर्ट है, मेरे को लगा भाई मेरे पास ये फिर भाई कलेक्ट आगे आने वाले भाई बहुत ज़्यादा काम होगा क्योंकि जब सोच के बैठा अब भाई इसका एग्जिट एंट्रेंस बनानी, तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं इस साइड बनाने की जगह इस साइड बनाऊँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, एक ग्लास तोड़ना हमें एक नहीं एक्चुअली मैं एक बार मुझे इसके दोनों ही तोड़ने हैं। अब मुझे भाई यहाँ पे एक वाटर सोर्स का जुगाड़ करना है क्योंकि भाई नीचे है मैं नीचे नहीं जाने चाहता, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। अब सबसे पहले तो भाई मेरे पास एक ही वाटर बकेट है, कोई बात नहीं एक से हो जाएगा मेरा काम, मैं फटाफट से पानी ले आता भाई, फूड तो है ना, हाँ फूड है भाई, भाई शाम भी होने वाली है भाई हमें पानी भरना है, ओके तो 1 2 3 फिर चौथे पे जैसे 1 है ये 2 है ये 3 है और चौथे पे गड्ढा करके यहाँ पे मैं डालना फिर 1 को छोड़ के फिर एक गड्ढा करना क्योंकि फिर ये 1 है, ये क्या हो गया भाई इधर से 1 2 है भाई ये बराबर क्यों नहीं है भाई, 1 2 है इधर गड्ढा है और इधर 1 2 3 है इधर गड्ढा भाई, सबसे पहले जाके सो जाते हैं उसके बाद देखते हैं इसको, फट से चलो भाई घर के अंदर, फटाफट से भाई बैठ के सो जाते हैं
बेसिकली 1, 2, 3 का गैप होना चाहिए था दोनों तरफ, बट गैप आ नहीं रहा प्रॉपर। एक बार नीचे जाके देखना पड़ेगा। यहाँ से हमें गैप लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन यहाँ ये भी इधर से भाई सिमेट्रिकल तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है इधर भाई। भाई 9, 9 की गैप में होना चाहिए था। एक बार मैं चेक करता हूँ मैंने क्या गड़बड़ करी है यहाँ पे। भाई समझ आ गया गड़बड़ क्या है। हमने भाई इसको छोटा बना दिया थोड़ा सा। अब ग्लास होंगे वेस्ट और वो दो साइड से होंगे कम से कम। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना इस साइड है तो इस साइड से कर देते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 के बाद गड्ढा पानी, फिर 1, 2 तो 1, 2, 3 एक पानी आ गया 1, 2 और यहाँ पे एक पानी, फिर यहाँ पे एक ग्लास होगा ना तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ मेरा पिकेट बड़ी से सिल्क टच लेके आ जाता हूँ। भाई इनको देखो शर्म नाम की चीज है। मैं नहीं इनसे लड़ रहा भाई फालतू का, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे चाहिए मेरे पास सिल्क टच। आई होप इसमें लग जाए क्योंकि मेरे पास एक्सपी चाह रही होगी। सिल्क टच लग गई भाई तो फिर ग्लास हमारे वेस्ट नहीं होंगे और मुझे भाई और नहीं लाने पड़ेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले तो वो ही कर लेते हैं। हालिया से भाई क्योंकि मेरे पास ग्लास है नहीं भाई। फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बन गया, इसी कारण गड़बड़ आ रही है वहां पे। तो मैं यहाँ से भी इसको हर जगह से ऐसे ही करना है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। एक आज मेरी थोड़ा गला ख़राब है तो उसके लिए सॉरी। तो 1, 2, 3 और फिर एक पे गड्ढा, फिर एक छोड़ के एक पे और गड्ढा, फिर 1, 2, 3 तो यहाँ पे ग्लास आएगा, एक यहाँ पे आएगा। इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ये अच्छी मैंने सिल्क कर दिया है अपने टेक्सचर देख कर ले। तो मैं यहाँ पे एक का गैप देना ना क्योंकि मैं वहाँ पे ग्लास लगाने ही वाला, तो फिर हमें यहाँ पे लगाने ना ऐसे करके। एक बार देख लेता हूँ 1, 2, 3 फिर एक वाटर का गैप, फिर एक वाटर का गैप यहाँ पे,
फिर एक दो और तीन। दो तीन भाई ज़ोंबी की बात कहाँ से आ रही है। एक बार यहाँ से भी कर लेते हैं, एक दो तीन, फिर चौथे पे गड्ढा, फिर एक दो तीन, फिर एक का गैप देखे, फिर एक गड्ढा, फिर एक दो तीन। यहाँ पे दो भाई, दो ग्लास और चाहिए भाई, दो ग्लास मेरे को कम पड़ गए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वाटर डाल देते क्योंकि वाटर में ही ना, और उसके बाद नौ पे भी गड्ढा है नहीं, ये भाई सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ से ही लेना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, आई थिंक गड्ढा में, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ये परफेक्ट एकदम हो गया भाई। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे भर देते हैं वाटर, क्योंकि वाटर की जरूरत है, और मुझे यहाँ पे स्लैब्स भी लगाने पड़ेंगे थोड़े से। मेरे पास एक ही बकेट है, मैंने भाई चेस्ट के अंदर रखी थी दो तीन बकेट, बट अब मैं चेस्ट नहीं लेके आया। फटाफट से भाई करते हैं इसको। दो गड्ढे उधर करने तो वो भी कर देते हैं, तो एक दो तीन और ये चौथे पे, फिर एक को छोड़ के दो वाटर बकेट में दो बार और भरना पड़ेगा इसमें, फिर ये कम्प्लीट। मुझे भाई ग्लास भी लेके आने पड़ेगा, आई होप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैंने कुकर निकल लगाए। अब एक बार जाके चेक कर लेते हैं, क्रीपर वगैरह घूम रहे हैं वहाँ पे, तो डिस्पोन हो गया भाई इतनी जल्दी, भाई डिस्पोन हो गया भाई। आई होप मैंने लगा तो रखे थे इसमें, भाई स्मोकर में कौन लगाता है ये रे भाई। एक स्टैक से ज्यादा ग्लास मैंने लगा रखे थे कुक करने के लिए, क्योंकि तो मुझे पता था भाई जरूरत पड़ सकती है। वो तो अच्छा भाई, सिल्क टच लगा ली मैंने उससे, भाई काफी ज्यादा हमारा सेव हो गया। ये हमारा हो गया कुछ ऐसा, तो अब मुझे भाई यहाँ पे लगाने स्लैब, क्योंकि तो स्लैब की भी जरूरत है कि भाई विलेजर्स अगर इसके अंदर गिर गए तो भाई वो भाई इसके अंदर ही जाते रहेंगे। भाई फूड खत्म हो गया, ओके। तो हमें स्लैब नहीं लगाना, उसके ऊपर कारपेट लगाना है। भाई मैं भूल गया था, मेरे पास आठ कारपेट मैं लेके आया हूँ भाई, मैं सारा ही सामान लिया है, तो हमें इसके ऊपर कारपेट रखना है ताकि ये पानी के अंदर विलेजर्स ना जाए। तो अब हमें क्या करना है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, साथ साथ मैं फिर आपके साथ बनाऊंगा भी, क्योंकि भाई कारपेट तो हमने रख दिए है। अब भाई मुझे मिडल में कंपोस्टर रखना है, कंपोस्टर
रखने के लिए मुझे थोड़ी सी डर्ट चाहिए, कंपोस्टर ये रहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक डर्ट लगा के कंपोस्टर लगा देता हूँ, और मैं जाके बस सो जाता हूँ क्योंकि नाइट होने वाली है। और मैं भाई मैं नहीं चाहता भाई ज़ॉम्बियों से लड़ना, मुझे भाई पसंद नहीं आई। भाई साहब भाई ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है मेरे हिसाब से, आपको कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। अब भाई हमें थोड़ा सा काम अलग करना है, तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर भी वो लगाना है, ग्लो स्टोन लगाना है। अरे अब भाई मुझे यहाँ पे एक बेड लगाना है और इसके ऊपर से और कवर करना है। तो बेड कहाँ पे है, बेड मैं लेके आया था और मुझे इसके लिए तीन वो चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक, तो मैं उसके लिए डीप स्लेट टाइल्स ले आया था। बेड मैंने लगा दिया भाई यहाँ पे, मुझे उसके ऊपर लगाने हैं तीन बिल्डिंग ब्लॉक इस टाइप से, ताकि यहाँ पे भाई ये सो पाए आराम से, बारिश वगैरह ना हो जाए। अब भाई इस एरिया को पूरा फार्मलैंड बना दिया। भाई मेरे पास नहीं, मुझे बनानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। भाई टूट गया भाई, अब मुझे आयरन फार्म से एक बार आयरन लेके आता, आई थिंक मेरे घर पे पड़ा है भाई, घर पे आयरन पड़ा है, जल्दी से जाके एक हो बना के लाते हैं क्योंकि हो की अब जरूरत पड़ने वाली है। तो हो मेरे पास आयरन है, आयरन है, इसी के अंदर स्टिक्स नहीं है, ये भी है। हो क्राफ्टिंग टेबल मैन एक हो दे दो भाई। फटाफट से भाई इसको कर देते हैं, और फिर भाई इस पर वो भी लगाना है पोटैटो वगैरह जो लेके आए, वैसे कोई भी बीट लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको पोटैटो ही लगाना है, कैरेट हो गए या बीट रूट हो गए या फिर बीट ही होगा, कुछ भी लगा लो। मेरे को पोटैटो ज़्यादा थी तो मैं वो लगाया हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपको फूड इससे चाहिए भाई वो लगाना है, मेन बात यही है। तो मुझे भाई मेरे पास तो अभी और कुछ है नहीं, तो मैं पोटैटो ही लगा लूँगा क्योंकि भाई वो ट्रेड भी हो जाएगा और खा भी सकते हैं उसको। फटाफट से भाई हम लगा देते हैं। दो स्टैक और 14 पोटैटो हो गए, वो भी इनमें काम हो जाएगा एकदम एग्जैक्ट।
एक बीच वाले पेन लगाने, ताकि भाई आपको नहीं पता होगा भाई कभी कभार ना विलेजर्स भाई इनके अंदर सफोकेट हो जाएंगे ब्लॉक्स के अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी। पर यहाँ पे एक ब्लॉक होगा तो जब विलेजर सो के उठेगा, तो भाई उस चीज़ के लिए मैंने उसको वहाँ पर। वैसे मैं उसकी जगह कोई भी रख सकता था, अजीब क्योंकि डर। फाइनली हमने पूरा का पूरा यहाँ पे सिमेट्रिकल कर दिया, और भाई इसमें पोटैटो भी लगा दिए क्योंकि बस यहाँ पे विलेजर्स डाला रह गया। अब मुझे भाई यहाँ पे एक हॉपर लगाना है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि है मेरे पास बट यहाँ पे नहीं लगाना उसको, यहाँ पे लगाना और उसके ऊपर एक हॉपर माइन कार्ड रखना है, और माइन कार्ड फिर तोड़ देनी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे माइन कार्ड रखनी है। माइन कार्ड के लिए रेल में ले आया था, और हॉपर माइन कार्ड भी है मेरे पास, तो यहाँ पे एक बार रखते हैं हम रेल, फिर रखते हैं हॉपर माइन कार्ड। अब भाई रेल तोड़नी है मुझे, अरे भाई ये क्या हो गया, अंदर ही चलेगी। अब इसके ऊपर भी भाई हमें ऐसे ही करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए कुछ डर्ट, वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसमें करना कैसे है। सबसे पहले डर्ट, फिर माइन रेल, और फिर माइन कार्ड, और फिर नीचे की डर्ट तोड़ देनी है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे डर्ट, रेल का है भाई, रेल भाई हॉपर के अंदर लो लॉल भाई, ये भी दे दो और ये भी दे दो। यहाँ पे मुझे रेल लगा के फिर उसके ऊपर माइन कार्ड लगानी है, और फिर तोड़ देने नीचे से डर्ट। सेट हो गया यहाँ पे एकदम बढ़िया भाई। इसके अंदर से भाई अपनी रेल और डर्ट भी ले लेते हैं। अब उसके बाद भाई क्या करना है, एक बार चेक करने वाली चीज है। ओके, तो हमें एक ट्रैप डोर लगाना है, जो कि मैं लेके आया था। आई होप लग दे लग गया भाई। ओके, तो एक ब्लॉक बिगर एरिया बनाना है भाई विलेजर्स के लिए, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है, मेरे को बस ग्लास लगाना है यहाँ पे। ये इतना काम तो हमारा हो गया। अब उसमें इसके बाद ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है मेरे को देखने में। ओके, कलेक्शन सिस्टम के लिए एक टनल, तो टनल भी इसी साइड से बनेगी, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। भाई अब विलेजर्स डालने वाला काम है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा।
यहाँ पे चेस्ट लगा देता हूँ, मेरे पास 6 चेस्ट हैं। आ तो भी जल्दी चलो, मेरा आपके टाइम पर काम करना है। लो देखो बॉम्ब भी, देखो कैसे आ रहे हैं, देखो अभी भी पूरी रात नहीं हुई है। जाके भाई सो जाते हैं। भाई विलेजर्स मूव कराने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। भाई इसको एक जॉब भी देनी है। ओके एक डिफरेंट जॉब भी देनी है, वो तो मैं दे दूंगा बाद में। भाई अभी के लिए तो मैंने ऐसे लगा, ये ऐसे नहीं ऐसी लगेगी, बट फिर एक यहाँ से टूटेगी और फिर वो इस साइड लगेगी। अब भाई यहाँ पे मुझे एक रास्ता बनाना पड़ेगा ऊपर जाने को, क्योंकि ये तो भाई बहुत टूटा हुआ रास्ता। अच्छा स्टोन ही मिल रहा है। ओके भाई सिल्क टच स्टोन ही मिलेगा ना भाई, मैं अभी वही सोच रहा भाई स्टोन मिल रहा मुझे। क्रीपर घूम रहे यहाँ पे, तो काम तो भाई हो गया यहाँ पे। मैं स्टेयर्स वगैरह ला के उसको तो सही कर दूंगा। मेन काम है भाई विलेजर्स डालने का, भाई मैं इसमें विलेजर्स डाल के उसको थोड़ा और ट्रांसफर करके और इसको पूरा बना के अब मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। फाइनली गाइस पूरे के पूरे आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद और आधे घंटे तक उस पर AFK करने के बाद भाई मुझे उसने पोटैटो भी दिया। और भाई मैं आपको फार्म दिखाता हूँ भाई। फाइनली गाइस पूरे के पूरे आधे घंटे तक उस पर काम करने के बाद भाई विलेजेस डाल के भाई मैंने इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया और भाई वो काम भी कर रहा है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ इन 3 2 1 लेट्स गो भाई। तो ये देखो भाई हमारा फार्म बन के पूरा रेडी हो चुका है। वो विलेजर जो है भाई वो सारी क्रॉप्स को उगाता है भाई और ला के इधर इसको देता है, पर ये ले नहीं पाता तो भाई हॉपर्स माइनक्राफ्ट में गिर जाती हैं और वो डायरेक्ट भाई चेस्ट में ले जाते हैं। भाई मैं आपको दिखाता हूँ आधे घंटे में क्या रिजल्ट दिए। पॉकेट एडिशन की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर ये नीचे वाले को इग्नोर कर भाई। ऊपर इसने हमें 64 13 पोटैटो दिए भाई इसने सिर्फ 1 घंटे के अंदर, क्योंकि भाई काफ़ी सही रहता है क्योंकि मैं इस साइड भाई ज़्यादातर रहता है इसी साइड हूँ तो मैं ये काफ़ी अच्छे रेट दे देगा, तो वही चीज़ है। तो भाई अपना फार्म बन के पूरा रेडी हो चुका है भाई, यार ऊपर नहीं चढ़ने दे एक बार भी। तो गाइज आज की वीडियो से इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।